गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डूइंग स्टडी अबाउट चैप्टर 9 फ्रॉम गुलमोहर बुक एंड द चैप्टर नेम इज़ क्रो बॉय। एक लड़का है जिसका नाम उसके फ्रेंड्स वगैरह मतलब उसके जो स्कूल के और स्टूडेंट ने उन्होंने क्रो बॉय रखा है। और ये क्यों रखा है, वैसे तो उसका नाम छिपी है उस बच्चे का, बट क्रो बॉय क्यों रखा है तो ये हम स्टोरी में देखते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी। On the first day of our village school in Japan, there was a boy missing. School का मतलब पहला दिन था, ये school जो है Japan में था और उसमें एक लड़का था जो कि गायब था, मतलब school class में नहीं था। He was found hiding in dark space under the school house floor. वो मिला, पाया गया, कहाँ पे मिला वो, किसी डार्क जगह मतलब अंधेरी वाली जगह पे, स्कूल हाउस फ्लोर मतलब आउटसाइड कहीं छिप करके बैठा हुआ था किसी ट्री के नीचे। नन ऑफ अस न्यू हिम, कोई भी नहीं जानता था, बट वी इमिडिएटली निक नेम्ड हिम छिवी एज ही वॉज वेरी स्मॉल। कोई भी नहीं जानता था लेकिन फिर भी जल्दी से उसका जो नाम है सबने क्या रख दिया, छिबी रख दिया, क्योंकि वो बहुत छोटा सा था इसलिए। छिबी वॉज स्ट्रेंज बॉय, बड़ा अजीब सा लड़का था वो। ही फाउंड वॉच द सीलिंग और इज वुडन डेस्कटॉप, वो हमेशा क्या देखता करता था, जैसे वॉल पे सीलिंग सीलन आ जाती है ना, उसे छत पे जैसे सीलन आ जाती है, उन्हें जैसे देखता रहता था। और जैसे टेबल हो गई, उसकी जो डेस्क का ऊपर वाला पार्ट होता है, कोई टेबल हो गई, डेस्क का ऊपर का पार्ट होता है वुडन एरिया, उसे वो देखता रहता उसको। विद ग्रेट इंटरेस्ट फॉर आवर्स, बड़े ही रुचि के साथ और घंटों तक उन्हें वो देखता रहता। ही वुड स्टडी अ पैच ऑफ क्लॉथ ऑन अ बॉय शोल्डर, अगर किसी लड़के की क्लॉथ पे कोई पैच लगा हुआ है, कोई कार्टून कुछ बना हुआ है, तो वो उसे देखता रहता। He would look out of the window all around the year and find delightful surprise even when it rained. जब बारिश आती तो वो विंडो से बाहर की तरफ देखता रहता, पूरे साल भर चारों तरफ देखता रहता। और वो ऐसे देखता कि जैसे मतलब हर बार, मतलब इस तरीके से देखता कि जैसे हर बार उसको कोई नई चीज़ मिली हो देखने को। ऑन द प्ले ग्राउंड इफ ही क्लोज हिज आइज, जब प्ले ग्राउंड में वो जाता तो अपनी आँखें बंद कर लेता। छिबी कुड हीयर मैनी डिफरेंट साउंड, और वहाँ अलग अलग तरह की जो आवाज़ें उनको सुना करता। नियर एंड फार अवे, जो आवाज़ें दूर से आ रही हों चाहे पास से आ रही हों, नियर मीन्स पास एंड फार मीन्स दूर, तो जो आवाज़ें दूर से या पास से आ रही हों अलग अलग तरह की, उन्हें ध्यान से वो सुनता। ही कुड होल्ड एंड वॉच इंसेक्ट, वो रुक जाता और एंड ग्रैब विच वी कुड नॉट इवन लुक एट, जैसे अब ग्राउंड में वो बैठा होता था आइज क्लोज करके और अलग अलग दूर और पास की आवाज़ें सुन रहा होता था, तो वो क्या करता था, जैसे कोई भी वहाँ पे प्ले ग्राउंड में इंसेक्ट दिखाई देता था, ग्रैब्स मीन्स होता है ग्रैब्स मीन्स लार्वा, जैसे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं ना, उन्हें जिन्हें हम में से कोई मतलब कभी हम ध्यान से इनको देखते भी नहीं हैं, पर वो उन्हें बहुत ध्यान से देखता रहता। वी लेफ्ट छिवी अलोन, जब वो अकेला होता, ही ट्रक्ड टू स्कूल एंड वेंट बैक होम ऑन हिज ओन एवरी डे लर्निंग नथिंग इन अ क्लास, वो क्लास में कुछ भी नहीं सीखता और बिना कुछ सीखे स्कूल से वापस घर चला जाता। एंड सो 5 ईयर पास टिल वी रीच द 6th grade, 5th class तक उन्होंने बच्चों ने पास कर ली थी, अब वो बच्चे सभी 6th class में आ गए थे। द लास्ट क्लास इन स्कूल, और जो 6th class थी वो उनके स्कूल की लास्ट क्लास थी। अवर न्यू टीचर मिस्टर स्लोप वॉज फ्रेंडली मैन विद काइंड स्माइल, उनके नए टीचर आए थे जिनका नाम था मिस्टर स्लो,
और जो कि काफ़ी फ्रेंडली यानी मित्रता वाले नेचर वाले, और उनकी जो स्माइल थी वो भी बहुत अच्छी थी। ही फ्रीक्वेंट टुक अस टू द हिल टॉप बिहाइंड द स्कूल, और वो कभी कभी बच्चों को लेके जाते जो कि स्कूल के पीछे हिल्स थे, उन पे लेकर जाते बच्चों को राइडिंग कराने के लिए, चढ़ाने के लिए। वाइल ही प्लेड ही ऑफन स्पेंट टाइम टॉकिंग टू चिवी, तो जब बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते थे तो मिस्टर स्लोप जो ये न्यू टीचर आए थे ये चिवी के साथ बैठ के बातें करते। ही वॉज प्लीज टू लर्न दैट चिवी न्यू ऑल द प्लेसेस वेयर द वाइल्ड ग्रेप्स एंड वाइल्ड पोटैटो ग्रू, जो कि कोई भी नहीं जानता था, लेकिन चिवी वो जानता था कि कहाँ पर वाइल्ड ग्रेप्स और वाइल्ड पोटैटो उगते हैं, सिर्फ चिवी को पता था। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड हाउ मच चिवी न्यू अबाउट ऑल द फ्लावर इन आवर क्लास गार्डन, जो भी हमारे गार्डन में फ्लावर्स होते थे उन सब के बारे में चिवी जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेटर दैट ईयर चिवी अपेयर्ड ऑन द स्टेज एट द टैलेंट शो, तो अब कुछ साल बाद मतलब साल के बाद चिवी जो है वो अचानक स्टेज पे आ गया अपना टैलेंट शो, एक टैलेंट शो हो रहा था और उसमें जो चिवी है वो अचानक स्टेज पर दिखाई दिया। वी कुड नॉट बिलीव आवर आइज़, हमें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वॉट हैपन ही डू अप देयर, ये यहाँ क्या कर रहा है। ही वी वंडर्ड, हम सबको चिंता होने लगी। ये देखिए जैसे हमें पिक्चर में स्टेज पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमें ये नेक्स्ट पेज दिखाया गया है। ये स्कूल का बाहर का बैकग्राउंड का एरिया है, यहाँ पे ये सारा प्ले एरिया है जहाँ पे वो चिवी बैठा रहता था। नाउ कंटिन्यू द चैप्टर। देन मिस्टर स्लोग अनाउंस दैट चिवी वॉज गोइंग टू इमिटेट द वॉइस ऑफ क्रो, तो जो मिस्टर स्लोग थे उन्होंने तो वो जो मिस्टर स्लोग थे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि जो चिवी है वो क्रो की आवाज़ निकाल कर दिखाएगा। वॉइस ऑफ क्रोस, क्रो की आवाज़। फर्स्ट चिवी इमिटेट द वॉइस ऑफ न्यूली हैच क्रो, सबसे पहले तो हैच मीन्स होता है बेबी क्रो, यानी कि सबसे पहले क्रो ने जो आवाज़ निकाली वो बेबी क्रो की निकाली, यानी कि क्रो का बेबी उसकी आवाज़ निकाली। देन ही मेड द मदर क्रो वॉइस, फिर उसने क्रो की मदर क्रो उसकी आवाज़ निकाली। देन ही इमिटेट द फादर क्रो वॉइस, फिर उसने फादर क्रो यानी कि क्रो के पापा उसकी आवाज़ निकाली। ही शोड हाउ क्रो क्राई अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसने उसके बाद आवाज़ जो निकाली वो ऐसी आवाज़ निकाली जब क्रो सुबह जो आवाज़ करता है क्राई जिस तरह से आवाज़ करता है वो आवाज़ निकाली। देन दे आर हैप्पी, फिर उसके बाद जब वो खुश होता है वैसी आवाज़ निकाली क्रो की। एट द एंड टू इमिटेट अ क्रो ऑन एन ओल्ड ट्री, जब क्रो पुराने ट्री पर बैठा होता है। चिवी मेड वर वेरी स्पेशल साउंड डीप डाउन इन हिज थ्रोट, तब चिवी ने आवाज़ निकाली जब जो क्रो ओल्ड ट्री पुराने पेड़ पर बैठा होता है और गहरा साउंड मतलब बहुत ही गहराई से इस साउंड निकालता है, वो वाला साउंड निकाला उसने चिवी ने अपने गले से, क्वाट क्वाट इस तरह का साउंड उसने निकाला। वी आर स्टक विद वंडर, सब एकदम सरप्राइज रह गए, हैरान हो गए। अवर माइंड वर टेकन टू द फार एंड लोनली माउंटेन साइड फॉर विच चिवी प्रोबेबली केम टू स्कूल, तो मिस्टर स्लोप जो थे वो ये बताते हैं, मतलब ये सब जो वॉइस थी जो चिवी ने, ये सब जब वो स्कूल आता है तब उसने सीखी थी। मिस्टर स्लोप एक्सप्लेन दैट चिवी हैड लर्न दोज कॉल, चिवी ने जो ये सारी आवाज़ें सीखी हैं उन्होंने बताया मिस्टर स्लोप ने, फॉर सिक्स ईयर 6 साल से,
वाइल लीविंग हिज होम फॉर स्कूल, जब एट डाउन, जब वो स्कूल से घर जाता है, एंड अराइविंग होम एट सनसेट, जब सूरज डूबने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो रास्ते में जो वो वॉइस क्रो की सुनाई देती है उसे, उसने उससे इसने ये सब सीखा है। ईच वन ऑफ अस क्राइड, सब के सब हैरान रह गए। वी रियलाइज्ड हाउ रॉन्गली वी हैड ट्रीटेड चिवी, तो सबको जो बाकी स्टूडेंट्स थे जो उसको सब चिवी चिवी बुलाते थे, तो उनको सबको ये फील हुआ कि हम सब कितने गलत थे, हम तो सब उसको बेवकूफ़ समझ रहे थे क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, लेकिन सबको लगा कि हम लोग कितने गलत हैं, सभी स्टूडेंट्स को। आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर वी सम टाइम मेड चिवी इन द विलेज, स्कूल ख़त्म होने के बाद, मतलब वो जो स्कूल था उनका वो सिक्स क्लास तक था, स्कूल ओवर होने के बाद चिवी कुछ समय के बाद सभी स्टूडेंट चिवी से मिलने उसके विलेज जाते, बट नोबडी कॉल्ड हिम चिवी एनी मोर, लेकिन अब उसे कोई भी चिवी नहीं बुलाता था। सोचो स्टूडेंट्स क्या बुलाते थे, वी ऑल कॉल्ड हिम क्रो बॉय व्हेन वी ग्रेटेड हिम, ग्रेटेड मीन्स खुश होना, उसको प्रोत्साहित करना, तो सब उसको अब क्रो बॉय बुलाते थे जो कि उसको अच्छा लगता था। क्रो बॉय वुड नॉड एंड स्माइल एज ही स्ट्रेच हिज शोल्डर प्राउडली एंड सेट ऑफ फॉर हिज होम इन द फार माउंटेन साइड, एंड फ्रॉम अराउंड द टर्न ऑफ द माउंटेन रोड वुड कम अ क्रो कॉल द हैप्पी वन। क्रो बॉय जो वो छिबी लड़का था वो स्माइल करता था जब उसको सभी क्रो बॉय बुलाते थे, तो वो खुश होता था और खुशी से अपना जो शोल्डर है उसका वो चौड़ा हो जाता था, और जब वो माउंटेन साइड अपने घर की तरफ माउंटेन साइड से अपने घर की तरफ जाता, एंड फ्रॉम अराउंड चारों तरफ वो देखता माउंटेन रोड पर, और कम क्रो जहाँ पर भी क्रो की आवाज़ उसको सुनाई देती तो वो खुश होता। तो बच्चों आपका ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।